हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। बस राजन, धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और बात है, और उसे निभाना और बात है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचन को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और एक तुम हो अपने पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लगा रहे हो। हमारी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे तोड़ रहे हो। ठीक है राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। आपका स्वागत है तपोनिधि। सुस्वागतम, सुस्वागतम मुनिश्रेष्ठ। आपकी चरण धूलि से अयोध्या नगरी धन्य हो गई है। पधारिए मुनिंद्र, इस घर को पावन कीजिए। पधारिए, पधारिए। सूर्यवंश के राजा दशरथ, तुम्हारे साम्राज्य में सर्व कुशल मंगल तो है ना? जहां आप जैसी पुण्य विभूति के चरण कमल आ जाएं, वहां सब मंगल ही मंगल है। आपके आगमन से मेरा घर तीर्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अयोध्यानाथ, तुम्हारी शिष्टता, तुम्हारी विनम्रता देखकर हम प्रसन्न हुए। हमें विश्वास हो गया है कि तुम्हारे राज्य में ऋषि मुनियों के धर्म और सत्कर्म निर्विघ्न पूरे होंगे। धर्म और सत्कर्म की सेवा में सर्वस्व समर्पण करने के लिए रघुकुल का बच्चा बच्चा वचनबद्ध है। आज्ञा कीजिए मुनिंद्र, किस अभिप्राय से आपका यहां पधारना हुआ है? आपकी जो आज्ञा होगी दशरथ प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा। धन्य हो रघुकुल शिरोमणि, इस पृथ्वी पर दूसरे किसी के मुख से ऐसे उदार वचन संभव नहीं है। और क्यों ना हो, आपको वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि के उपदेश जो प्राप्त हैं। राजन, हमारे हृदय में जो बात है, हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य पूर्ण करो। बस आपकी आज्ञा मात्र की ही देर है। राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे। आर्य भूमि में ऐसा दुष्कर्म दुस्साहस करने वाले लोग कौन हैं? लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु, ताड़का का पुत्र मारीच, अपनी मायावी शक्ति से हमारा कोई कार्य, हमारा कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते, और अपनी मायावी शक्ति से जन कल्याण के कार्यों में भी विघ्न डालते हैं। ऋषिराज, तपस्वी ऋषि मुनियों की सहायता हमारा धर्म है। अवध की सारी सेना आपकी सेवा में तैनात कर दी जाएगी। नहीं अयोध्यापति, सेना की सहायता से सुरक्षा का उपाय किया तो असुर शक्तियां भी आर्यवर्त की सीमाओं पर सेना का संगठन करेंगी, और उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। तो हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? हम तुमसे तुम्हारे राम को मांगने आए हैं। हमें केवल राम दे दो, हमारी रक्षा का उपाय हो जाएगा। राम? नहीं नहीं, वो नन्ना सा बालक आपके कार्य को कैसे सिद्ध कर सकेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, अपनी पराक्रमी सेना के साथ मैं स्वयं सबसे आगे रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आपके अनुष्ठान पर आंच नहीं आने दूंगा। राम तो अभी बालक है, युद्ध के दांव पेच का अनुभव नहीं, शत्रु के बलाबल असुरों के छल कपट को नहीं जानता। मैं अपने राम को आपके साथ कैसे भेज दूं, ये नहीं हो सकता। बस राजन, धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और बात है, और उसे निभाना और बात है।
तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचन को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महाराज शिव ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा दी। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपना वचन निभाने के लिए अपने पुत्र और अपनी पत्नी को बेच दिया। और एक तुम हो, अपने पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लगा रहे हो। हमारी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे तोड़ रहे हो। ठीक है राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। क्रोध न कीजिए मुनिवर, आप मेरे पूज्य देवता समान हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। रावण का वेग तो देव दानव गंधर्व किन्नर और नाग भी नहीं सह सकते। मेरा नन्ना राम उस रावण से अकेले कैसे टक्कर ले सकेगा। मेरे पुत्र पर दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की नजर अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान सकी, परंतु आप तो जानते हैं, आप ही इन्हें समझाइए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं राजन, राम युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। वो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों के पन्नों में लिखे रह जाएंगे, पर राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर अविनाशी बना रहेगा। परंतु गुरुदेव। नहीं राजन, तुम नहीं जानते, विश्वामित्र तो तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए ही उसे लेने आए हैं। अन्यथा महर्षि विश्वामित्र स्वयं सुबाहु मारिच आदि असुरों का नाश करने में समर्थ हैं, परंतु ये सारा गौरव राम को देना चाहते हैं। राजन शंका मत करो, राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण है। संभव है इसी में सबका कल्याण हो। आप गुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। सुमंत्र, महाराज राम को भेजने की तैयारी करो। जो आज्ञा। मुनिवर, राम के साथ लक्ष्मण भी आग पे संग जाएगा, क्योंकि ये दोनों कभी अलग नहीं हुए। राम लक्ष्मण मेरी दो आंखें हैं, मेरे प्राण हैं। आज मैं इनको आपके हवाले करता हूं। निश्चिंत रहो राजन, सब मंगल ही होगा। राम लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र ही आज से तुम्हारे माता पिता के समान होंगे। इनकी आज्ञा, इनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म होगा।